Good morning, guys. Today our last day in Goa. आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मुंबई के लिए. शाम को 6 बजे हम लोग का बस है यहाँ से. तो सिचुएशन इज अभी सुबह 11:30 बज गया है. तो चेकआउट भी हम लोगों को करना है. सो इसी दौरान हम यहाँ पे आए हैं थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प करने के लिए, इसलिए कि जो हम लोग होटल में ठहरे हैं, देखिए उसका डिटेल्स हम देते हैं आपको. ये देखिए होटल है, होटल इमान्युल एशियन नॉन एसी रूम. फ़ोन नंबर 9823073078. इसका डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे दे दूँगा मैं, ठीक है. मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिख के दे दूँगा मैं. और यहाँ पे जो है इनका जो ओनर है, ओनर से मैं आपको बात करा देता हूँ. तो क्या होगा कि आप लोगों को बाद में सुविधा होगा कि अगर बुकिंग करते हैं, ये लोग टेलीफोन पे भी, लैंडलाइन पे इनका नंबर है, दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे. तो व्हाट विल हैपन कि आप लोग यहाँ पे बुकिंग करके आ सकते हैं. दिस इज़ ए वेरी होमली प्लेस, बहुत बढ़िया जगह है यहाँ पे, एंड यू एंजॉय. यहाँ पे इन लोगों का खाने का भी व्यवस्था है, मैं आपको दिखा देता हूँ. अपना रेस्टोरेंट है, रात को यहाँ पे मॉर्निंग शुरू होता है सुबह 10 बजे, तो रात को 11:30 बजे तक आपको मिल जाएगा यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना. देखिए आई एम गिविंग यू दैट ग्लिम्प्स, ये इनका रेस्टोरेंट है. हम लोग ज़्यादा इनसे एक ही दो दिन खाना खा पाए क्योंकि हम लोग बाहर खाना खाए, इसलिए हम लोग को आने में बहुत देरी हो गया था. इसलिए तो प्लीज़ वेट, मैं बात करा देता हूँ इनसे. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं बिल्ला एमएनएल से बात करते. मेरा पास 6 रूम है, फैमिली प्लस ग्रुप को भी है, एसी एंड नॉन एसी. मैं तुम लोग को डिस्काउंट देंगा और हमारा घर फैमिली ऐसा, आ जाओ और इन्जॉय करो. जब पहला आने का पहला तुम लोग मुझे फ़ोन करो. हम लोग जिस रूम में थे उस रूम का एक ग्लिम्प आप लोगों को दिखा देते हैं. ये रूम है, 2 बेड, एक छोटा सिंगल बेड, 1 3-बेडेड यहाँ पे और 1 3-बेडेड है. तो इसे ये 7-8 जन के रूम में हम लोग अकेले थे. दिस इज बाथरूम. यू आर सीइंग दैट देयर इज नो गीजर. आप गीजर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इसका सोलर सिस्टम में गीजर लगा हुआ है. यू विल गेट ऑल्सो हॉट वाटर व्हेन यू नीड. सारा दिन वाटर वाटर मिलता रहता है. और पीछे एक तो सुंदर सा बैल्कनी है, दैट ऑल्सो देखिए सुंदर सा बैल्कनी है. यहाँ पे एक सिंक भी लगा हुआ है. नाउ वी आर एंटरिंग रूम नंबर 2. 2 नंबर रूम पे हम लोग जा रहे हैं. यहाँ पे देखिए वैसा ही है, पहला नंबर के जैसा ही है. यहाँ पे एक 3 बेड का यह बेड है, एक सिंगल बेड का यहाँ पे, फिर एक ट्रिपल बेड का ये बेड है. टोटल मतलब हर जगह पे अरेंजमेंट इसका ऐसा है कि हर जगह पे आप 7 से 8 जन रह सकते हैं. इज़ अ फैमिली ट्रिप. तो फैमिली ट्रिप आप बाहर भी वैसे सिंक है जैसे प्रीवियस में था, वैसे ही सिंक रखा हुआ है बाहर में. और उसका भी बरामदा है. आप लोगों को बाथरूम भी थोड़ा सा दिखा देते हैं. दिस वन इज़ द बिग वन, दिस इज़ द बाथरूम. यहाँ पे भी सिंक का वही केस है कि ऊपर से जो है हॉट वाटर लगा हुआ है, वो रनिंग वाटर सारा दिन में पड़ता है क्योंकि हम लोग तो उसको रात को 9-10 बजे नहाते थे, तो हम लोगों को तो वो मिलता था, ठीक है. तो दिस इज़ द थिंग. तो आप लोग आइए और यहाँ पे एंजॉय कीजिए. और हम लोगों का नाम बोलिएगा, एसएस ट्रैवल ब्लॉग्स बोलिएगा, तो थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे खाना भी अपना अरेंजमेंट है, यू विल फील होमली. इन लोगों का और भी यहाँ पे ऐसे रूम है, लेकिन शायद यहाँ पे गेस्ट है. यहाँ पे ऐसे भी एक रूम है, ये वाला ये ऐसा रूम है. और यहाँ पे और एक है, 4 नंबर रूम है यहाँ पे. दिस इज़ रूम नंबर 4. यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा रूम है. यहाँ पे भी फ्रिज, टीवी, एसी लगा हुआ है. दिस इज़ एसी रूम. और यहाँ पे ये 2 जन का यहाँ पे बेड है, यहाँ पे 1 जन का बेड है, यू कैन सी. और इसका बाथरूम भी, टॉयलेट भी जो है थोड़ा सा ऐसा ही है, छोटा छोटा में है, क्योंकि छोटा फैमिली रहने के लिए बहुत बढ़िया जगह है. आंटी इसका रेंट कितना है? ऑफ सीजन में होता एसी 1000 आप लेकर चलो, एसी का रेंट है ये. और सीजन में मत आओ, आने से आंटी बोलती है कि सीजन में मत आओ, सीजन में आने से रेट बहुत बढ़ जाता है. तो डोंट कम इन सीजन, ओके. दिस इज इमान्युल विला. गाइस हम लोग अभी बागा बीच के एंड से हम लोग एंट्री किए हैं. शैक्स में बैठे हुए थे, लेकिन इतना गर्मी है, ये डिसएडवांटेज है. मतलब दिन में यहाँ पर गर्मी 38-40 है और पूरा एकदम सन एकदम पूरा सर के ऊपर है. और रात को यहाँ पर 13-14-15 हो जा रहा है. तो ये वेदर का एक बड़ा सा चेंज है इसमें. तो और आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो बीच में जो है, बीच में क्राउड बहुत ही कम है. शैक्स में जो बैठा हुआ ही है, बाकी जितना है सब तो बाहर में जो पानी में कूदने वाले हैं उसका ही सब भीड़ है. बाकी नॉर्मल पीपल का भीड़ कम है. एक तो शैक्स में है और नहीं तो एक पानी में है. ये दोनों के बीच में वाटर राइड जो हो रहा है उसमें है. ये है दूर में देखिए, बहुत नाव जा रहा है पानी में. तो ये एक इशूज़ है. अभी हम लोग जाएंगे
टीटोस लेन में, वहाँ पे ग्वानीज फूड जो है वो खाएंगे। खाने के बाद आज हम लोग को मुंबई जाना है, तो हम लोग को 6 बजे की बस है और 4 बजे हम लोग चेकआउट तो होटल कर दिए, लेकिन सामान होटल में रखा हुआ है, वहाँ से सामान लेंगे और फिर 4 बजे हम लोग निकलेंगे। गाइस, ये है फिश फूड स्पा। ये डॉक्टर फिश से कराया जाता है और इसका रेट पड़ता है 30 मिनट का 150। ये टीटोस लेन में आता है। गाइस, हम लोग अभी आए हैं, बीच में बहुत गर्मी है इसे बीच छोड़ के आए हैं ग्वानीज थाली खाने के लिए, लेकिन ग्वानीज थाली यहाँ पे मिला नहीं तो, लेकिन अभी धूप में जाने का भी इच्छा नहीं हो रहा है, तो हम लोग जो रेस्टोरेंट में आए हैं उस रेस्टोरेंट का ये है आपका टीटोस लेन में, मतलब हम बीच पकड़ के आगे और आके ईवा रेस्टोस। इसका मोबाइल नंबर है 7028310924। यहाँ पे खाना खाने आए हैं, तो फिश थाली का रेट दिया है 180 रुपया, तो 3 थाली ऑर्डर दिए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को और एश्योर करना चाहते हैं कि आप लोग जब भी आए, अगर आप लोग फैमिली मैन हैं, इफ़ यू हैव अ किड्स विथ यू, आप ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग भी अपना बच्चा साथ में लेके आए हैं। हम लोग वो 7 दिन में हम लोग बहुत घूमे, हम लोग वो सब वीडियो देखे, सब जगह पे हम लोग बच्चा लेके गए हैं, सिर्फ एक दिन छोड़ के, बिकॉज उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था इसलिए नहीं लेके गए, बाकी सब दिन हम लोग बच्चा लेके गए हैं, सब किड्स को लेके गए हैं साथ। नथिंग आई हैव फील दैट इसमें कुछ ऐसा है कि बच्चा ले नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक मिथ है, एक 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 क्या बोलते हैं अफवाह है कि आप यू कैन नॉट टेक योर बेबीज और योर किड्स टू गोवा बिकॉज ऑफ द फॉरेनर्स एंड ऑल दैट, बट इशूज ऐसा नहीं है। आई कैन एश्योर यू ऐसा इशू नहीं है, यहाँ पे आप लोग घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, मजा कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हर जगह पे हम लोग किड्स को लेके गए हैं, नथिंग इज देयर टू वरी अबाउट, कुछ नहीं है सर। सो प्लीज़ खाना आने दीजिए, खाना फिर खाते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग होटल की तरफ, जाके 2-4 सामान हम लोग खरीदना है। यहाँ पे काजू बहुत सस्ता पड़ता है, 600 रुपया काजू लेता है गोटा फ्रेश वाला, जो कलकत्ता में 1200 रुपया 1100 रुपया दाम पड़ता है, वो यहाँ पे 600 रुपया दाम है। और उसके ऊपर में इसका और एक वेरिएशन आता है, जो इसके ऊपर छिलका जो है, तो छिलका नहीं छुड़ाया गया, ब्राउन कलर का होता है काजू, वो आता है आपका 500 रुपये में। सो द थिंग इज देयर कि हम लोग अभी यहाँ पे खाना खाएंगे और यहाँ से फिर मूव करेंगे हम लोग आगे करके, हम लोग 4 बजे तक ऐसे ही टाइम इंडल्ज करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से बस स्टैंड के लिए। गाइस, खाना आ गया है। क्या दिया है, कुछ मच्छी का ग्रेवी दिया हुआ है, पता नहीं क्या चीज़ का दिया है, ग्रेवी है, एक पापड़ है, एक ये एक सब्जी कॉपी कैबेज का सब्जी दिया है, एक तो और एक तो सब्जी दिया है, खाने के बाद ही समझ में आएगा, पिकल्स दिया है और ये कैबेज का एक सलाद दिया है, एक मच्छी दिया है और भात दिया है। थोड़ा सा इसको देखते हैं कैसे है, फिर आपसे बात करते हैं। टेस्ट इज़ गुड, खाने में अच्छा लग रहा है, सो दाल नहीं है, सब्जी भी अच्छा है, चटनी भी अच्छा, सब अच्छा है, लोकल फूड जैसा एक टेस्ट है इसमें, अलग से एक फ्लेवर है इसमें। तो हम लोग खाना खाते हैं, इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं, फिर आप लोगों से रोड में जाके बात करते हैं। हम लोग आ गए हैं मुलुड बस स्टैंड पे, यहाँ पे 6 बजे का टाइम है बस आने का मुंबई के लिए, लेकिन अभी तक बस नहीं आई हुई है। इसमें हम फ़ोन किए थे तो बोला 5-10 मिनट लगेगा, पीछे हम आ रहे हैं, वी आर जस्ट वेटिंग। हम लोग का बहुत सारा लगेज हो गया है, फिर बस आने पर आप लोग को हम दिखाते हैं। ये जो केबिन दिया है स्लीपर क्लास, उसी का है डिव्यू, डिव्यू पूरा विंडो से बाहर देखने की व्यवस्था है। यहाँ मोटा मोटी 2 से 3 जन सोने का जगह है, लेकिन 2 जन एक्चुअली ये जगह है, और अपोजिट में भी ऐसा छोटा सा है, ये डबल है, पीछे बाएं तरफ भी हम लोग उल्टा साइड में एक तो है, ये वाला ये हाफ है उसका, ये 2 है हम लोगों का। तो हम लोग एक ही जगह पे सब बैठे हुए हैं, अभी जस्ट खाना हो गया, बाकी बस सब लोगों थोड़ा सा लाइट अगर निकलता है, अगर थोड़ा सा ये होता है नेचुरल लाइट अगर मिलता है, तो ये तो फ्लैश लाइट जला के आप लोगों को दिखा रहे हैं हम, फिर आप लोग जूता रखने का सामान रखने का अंदर रैक रखा हुआ, देखिए रैक है,
डबल स्टोरेज से सामान लगी रख सकते हैं। एसी का हवा वाला वेंटिलेशन भी यहीं पे है। हम लोग अभी जो गोवा से जो हम लोग जा रहे हैं मुंबई, तो वहाँ पे बीच में कहीं बस को रुका हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग खाना खाने आए हैं। वेज थाली, तीन रोटी, एक आलू पराठा मसाला, और यही भी क्या दिया है फिल्म में पानी अपना। सच मानिए तो इतना अच्छा क्वालिटी है, देख के बहुत अच्छा लगा। इसलिए कि हम लोग जो लाइन होटल में वेस्ट बंगाल में जो MGP जाते हैं कहीं जाते हैं बस में, ढाबा वाला जो क्वालिटी होता है इसमें क्वालिटी में आसमान जमीन का फ़र्क है। दाम भी कुछ नहीं है, 20 रुपये का तंदूरी रोटी, 20 रुपये का क्वान्टिटी बहुत है। स्टेट में खाना खा लेते कोई बात करते हैं। ये बस हम दिखा रहे हैं, ये टोटल हम लोग आए हैं, ये साई प्रसाद होटल रेस्टोरेंट है, रोड साइड ढाबा है, नाम शायद आप दिखा नहीं पा रहे, बहुत दूर में है, बस से ढका हुआ, ऊपर हैलोजन लाइट लगा हुआ है, ऐसे देख नहीं पा रहे। खाना बहुत ही बढ़िया था, खाना खा लिए, अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे। ये हाईवे है, हम लोग महाराष्ट्र में हैं, यहाँ से होके फिर हम लोग जाएंगे मुंबई की तरफ। बस आप लोगों को दिखा दे, देखिए कितना सजा हुआ बस है, ये भी एक स्लीपर क्लास बस है, लेकिन इस बार ये बस हम लोगों का नहीं है, दूसरे का बस है। तो जस्ट एक ग्लिम्प आप लोगों को दिखा दिया बस, और कुछ नहीं है। हम लोग अभी कपोली में हैं, ये मुंबई से 22 किलोमीटर आगे है। तो हम लोग अभी चाय के लिए अभी यहाँ पे उतरे हैं। पीछे जो आप बस देख पा रहे हैं यही हम लोगों का बस है। तो यहाँ से हम लोग मुलुंड में हम लोगों का होटल बुकिंग है। सो जुई नगर बोल के कोई जगह है, वासी बोल के कोई जगह है, दोनों जगह में कहीं एक जगह पे उतर जाना है हम लोगों को, यही बोला गया है। सो चाय पी लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हल्का सा फ्रेश हो लिए, फिर यहाँ से मतलब हमको जाने में और लगता है आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा में हम लोग पहुँचेंगे। फिर आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोगों को वेलकम टू मुंबई बोलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा होगा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून, साथ में बने रहिए। इसके बाद आने वाला है हम लोगों को मुंबई सीरीज़।